हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को पिन किया क्लीन आफ्टर हिज रिटर्न एट 2012। तो नंबर वन पर आते हैं जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच फ्रॉम 2012 एट एक्सट्रीम रूल्स, और ये ब्रॉक लेसनर की पहले मैच था आफ्टर हिज रिटर्न इन WWE। तो मैच बहुत ही ब्रूटल था और हमें एंड में देखने को मिला जॉन सीना स्टील स्टेप से ऊपर से अपर ट्रिपल ए लगा देते और ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन कर देते। नेक्स्ट नंबर टू मूवमेंट आते हैं रेसलमेनिया 29 से ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर इन ए नो होल्ड्स बार्ड मैच, और इस मैच में ट्रिपल एच ने अपनी कैरियर ऑन द लाइन लगाए थे। और इस मैच में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रिपल एच कमोड़ा लॉक लगा देते ब्रॉक लेसनर को, लेकिन एंड में एक पेडिग्री लगाते विथ स्टील स्टेप्स और क्लीन पिन कर देते द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। नेक्स्ट नंबर थर्ड मूवमेंट आते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेज गोल्डबर्ग का फ्रॉम 2016 सर्वाइवर सीरीज, और इस मैच में दो क्विक स्पीयर एंड वन जैक हमर लगा के गोल्डबर्ग ने बहुत जल्दी यहाँ पर हरा दिया ब्रॉक लेसनर को, वो भी 84 सेकंड के अंदर एंड शॉक द होल WWE यूनिवर्स। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे थे ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स फ्रॉम 2018 समर स्लैम। तो उससे पहले ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स लड़े थे एट ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल एंड वहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया था रोमन रिंग्स को, लेकिन इस बार समर स्लैम में यहाँ पर फाइनली रोमन रिंग्स ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को और कैप्चर कर लिया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप को, वो भी क्लीन हराया था लेसनर को। नेक्स्ट एंड फाइनल नंबर आता है नंबर फिफ्थ, वह रेसलमेनिया 35 में जहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच सेटअप हुआ था, जब सेथ रॉलिंस ने 2019 में मेंस रॉयल रंबल को जीता था और चैलेंज किया था ब्रॉक लेसनर को एट रेसलमेनिया फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे रॉलिंस के सामने मैच हार गया और रॉलिंस ने बिल्कुल क्लीन पिन कर दिया लेसनर को और बन गए थे हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो यही थे पांच ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन किया आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम 2012। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।